दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल CSE स्टडी बुक में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, इसको शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को एंड हम UPSC रिलेटेड कोर्स आप तक पहुंचाते जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा कोई भी अपडेट मिस ना हो। और हर लेक्चर का PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमारा जो इंडिया का सीजन्स होते हैं उसको हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है कोल्ड वेदर सीज़न, जिसको हम लोग विंटर के नाम से जानते हैं और ये दिसंबर टू फेब्रुवरी तक आता है, चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा हॉट वेदर सीज़न, जिसको हम लोग समर के नाम से जानते हैं, ये मार्च टू मई के बीच में आता है। नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट मानसून सीज़न, जिसको हम लोग रेनी सीज़न के नाम से जानते हैं, ये जून से सितंबर के बीच में आता है। और चौथा हमारा हो गया सीज़न ऑफ रिट्रेइंग मानसून, इसको हम ऑटम भी कहते हैं, ये आता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ये महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हमारा PDF आपको लेक्चर के बाद में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो महीने हैं ये याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर, देख लीजिए क्या होता है। हमने इसके बारे में तो पढ़ा कि क्या क्या सीजन्स होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में चर्चा करेंगे। पहले आते हैं कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा क्या होता है। हमारा जो विंटर सीज़न होता है इसमें क्या होता है, सन का जो रेज होता है वो डायरेक्टली रीजन में फॉल नहीं करता है। ड्यूरिंग दिस विंटर सीज़न सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थ इंडिया। ओके, याद रख लीजिएगा, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है कहाँ ना, नॉर्थ इंडिया में। ये पकड़ लीजिए, ये हमारा सरफेस हो गया और ये सन हो गया, है ही हमारे पॉपुलर सूर्य मामा। क्या होता है कि सूर्य मामा क्या करते हैं, अपना जो रेज होते हैं, अपनी जो लाइट होता है, रेज होता है, ताप होता है, उसको क्या करते हैं, इनडायरेक्टली देता है। ओके, इनडायरेक्टली इसको देता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है उतना बढ़ नहीं पाता है। ज़्यादातर ये नॉर्थन इंडिया में होता है। अब देख लीजिए हमारा नॉर्थन इंडिया का पार्ट कौन सा है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा नॉर्थन इंडिया का है, ठीक, इसको नॉर्थन इंडिया का है ये पार्ट। और इसमें ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, आपको तो पता ही होगा दिल्ली की ठंडी, दिल्ली की ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। अब आ जाते हैं हॉट वेदर सीज़न और समर के बारे में जान लेते हैं समर के बारे में। चलिए, इन हॉट वेदर सीज़न सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल ऑन दिस रीजन, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स आर कॉल्ड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। ओके, अब क्या होता है, समर के समय, ये समझ लीजिए हमारा सरफेस है और ये सन है, सूर्य मामा है। सूर्य मामा क्या करते हैं, डायरेक्टली सरफेस पे, हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है वहाँ पर अपना हीट देते हैं, अपना टेम्परेचर देते हैं, अपना लाइट वहाँ पर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि हमारा जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है,
और इस टाइम पे हमें एक विंड देखने को मिलता है जिसको हम लोग लू कहते हैं। ये दिन के दौरान ये ब्लो होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन के बारे में, जिसको हम लोग रेनी सीजन कहते हैं। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ये जो एरिया है, ये जो हमारा एरिया है ये क्या है, ये हमारा अरेबियन सी है और ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से जो हवा आती है वो क्या करती है, यहाँ पर आ जाती है। यही यहाँ पर बताया गया कि रीजन पे ये जो बे ऑफ बंगाल है एंड ये जो अरेबियन सी है, यहाँ से जो विंड होता है यहाँ से ब्लो होकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, इसके साथ वो मॉइस्चर भी कैरी करते हैं। ठीक, दिस विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स एंड रेनफॉल ऑकर्स। ओके, अब देख लीजिए ये हमारा माउंटेन बैरियर हो गया, ये समझ लीजिए ये हमारा माउंटेन बैरियर है। ठीक, अब ये विंड आए, यहाँ पर कोई क्लाउड्स वगैरह वगैरह है। ठीक, ये विंड उसको आगे लेके आए, ये क्या हो गया, यहाँ पर जो टॉप है या टॉप पे क्या होगा वो क्रश हो गया। ठीक, वो टूट गया दोस्तों। अब क्या होगा, वो जो पानी है जो क्लाउड में था वो क्या होगा, इस सरफेस से नीचे आता रहेगा और ये बरसना शुरू हो जाएगा। दिस कॉज द रेनी सीजन। ओके, ये आपको याद रख लेना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाते हैं, जानते हैं नेक्स्ट सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मॉनसून और ऑटम के बारे में। विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मॉनसून। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पार्टिकुलरली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रिसीविंग रेनफॉल इन दिस रीजन। देखिए अब क्या होता है कि इस सेशन में जो हमारे बे ऑफ बंगाल है, हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या होता है, ये बे ऑफ बंगाल में इधर से हवा चलती है भाई, यहाँ पर रिटर्न जाती हैं विंड्स, यहाँ पर रिटर्न जाती हैं। क्या होता है कि जब जाती हैं तब ये साउथ पोर्शन से भी ऑब्वियसली जाएगी, जाना भी चाहिए, जाएगी, तब क्या होता है इसके साथ ही जो क्लाउड होते हैं उसको साथ ले जाते हैं और एग्जैक्टली तमिलनाडु में ये रेनफॉल क्रिएट करते हैं। देख लेते हैं हमारा तमिलनाडु कहाँ हो गया, तमिलनाडु हो गया हमारे इस जगह में। ठीक, ये रीजन में हमारा तमिलनाडु आ जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों हमारा जो भारत का जो क्लाइमेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ओके, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। मॉनसून आया कहाँ से, ये आया अरेबिक वर्ड मौसिम से आया है ये वर्ड। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द मोस्ट रेन इज ब्रॉड बाय मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स के वजह से जो रेन होता है ये मैक्सिममली मॉनसून विंड्स के वजह से ही होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। देखिए जैसे हम सभी जानते हैं इंडिया हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है एंड ये रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सब फैक्टर करता है। देखिए एक जगह का जो क्लाइमेट है उसका चेंजिंग ये सब चीज़ों में काम में आता है। देख लीजिए, पहला आता है हमारा लोकेशन, सेकंड आता है हमारा ऑल्टीट्यूड, थर्ड आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड फोर्थ आता है हमारा रिलीफ। ओके, देयरफॉर
एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमारा वेदर चेंजिंग का टाइप इसमें वेरिएशन आता है, इसके चलते अब देख लेते हैं भैया वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन इसको ब्रॉडली हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ओके, पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा आएगा क्या ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, तीसरा आएगा क्या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, चौथा आएगा हमारा माउंटेन फॉरेस्ट एंड पांचवा आएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, चलिए एक एक करके जान लेते हैं इसके बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए अब इसमें क्या क्या होता है। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ये कंज्यूम करता है। ओके, और इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो 15 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, दे ऑकर 7% ऑफ अर्थ सरफेस एंड हार्बर मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। दे आर मोस्टली नियर द इक्वेटर रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। ये रीजन ऑल टाइम वार्म एंड वेट रहता है। ट्रीज रीच द ग्रेट हाइट ऑफ 60 मीटर इवन अबव। ओके, 60 मीटर तक पहुंचता है। इट हैज़ लग्जरियंस वेजिटेशन ऑफ काइंड्स, यहाँ पर ट्रीज देखे जाते हैं, श्रब्स देखे जाते हैं, क्रीपर्स देखे जाते हैं। ओके, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। ये क्या होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ये आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका, यहाँ पर ये देखे जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन हिल्स ऑफ जयंतिया एंड खासी। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर रोजवुड, मेहोगनी, एबोनी, बैम्बूज, रीड्स। दिस आर द कॉमन वुड्स, ये कॉमन वुड्स हैं, कॉमन ट्रीज हैं जो यहाँ पर देखे जाते हैं। ओके, कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी देखे जाते हैं, लेमूर देखे जाते हैं, डियर देखे जाते हैं। ओके, द वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ओके, ये सब आप याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ से पढ़ लीजिए। अब आ जाता है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, दे आर मोस्टली वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये फॉरेस्ट। ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल 200 सेमी टू 70 सेमी, 200 सेमी से 70 सेमी तक का रेनफॉल ये रिसीव करता है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स अबाउट द 6-8 weeks इन ड्राई समर, 6-8 weeks इन ड्राई समर। ऑन द बेसिक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइड इंटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस। इसको भी हम दो टाइप में डिवाइडेड करते हैं, मॉइस्ट डेसीडियस एंड ड्राई डेसीडियस। हालांकि उसके बारे में इस बुक में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है और इसमें फाउंडेशन में उतना जानने का भी ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको एडवांस पढ़ाऊँगा तब आपको ये सब कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा एक एक करके। अब आता है, देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन ट्री मिलता है। तो यहाँ पर बैम्बूज मिलते हैं, बांस जिसको बंगाली में बांस कहते हैं, जब किसी का हालत ख़राब होता है तब वो बात बात में कहता है अरे बांस लेके गछे, बांस लेके गछे, तो ये बंगाली का कॉमन वर्ड है। अब आता है साल, सीसम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम,
अर्जुन, मूलबेरी आर ऑल्सो कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट। ओके, ये सब कॉमर्शियल ट्रीज़ हैं, इनका मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये सब ट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं, एग्जिस्ट मॉइस्ट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थन स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, यहाँ पर ये देखे जाते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स। ओके, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ये एरिया में ये सब देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं द थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स के बारे में। ये जो रीजन है भैया, यहाँ पर 70 सेमी से कम रेनफॉल ये रिसीव करता है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज, यहाँ पर थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज देखा जाता है, फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ये सब एरियाज जहाँ पर सूखा होते हैं, जैसे आपको पता है कि राजस्थान में सूखा है, गुजरात का कच्छ का जो एरिया होता है, ये जो कच्छ का एरिया है इस पोर्शन में, यहाँ पर भी बहुत गर्म एरिया है, डेजर्ट टाइप, ये राजस्थान हॉट डेजर्ट, सबको तो पता ही होगा। तो ये सब एरिया में ये देखे जाते हैं। ओके, चलिए, उसके अलावा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भी, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में भी कुछ कुछ देखे जाते हैं। ठीक है, एकेशियंस, पाम्स, यूफोर्बियस, कैक्टी आर मेन प्लांट स्पीसीज, यहाँ पर ये सब प्लांट्स देखे जाते हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड, हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉयल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, इसका जो सॉयल होता है ये बहुत अंदर तक गड़ा होता है दोस्तों। द स्टीम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवापोरेशन। ओके, इसका जो लीव्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और ये क्या करते हैं, एवापोरेशन, जिसको हम लोग सालोक संश्लेष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करता है, इसको मिनिमाइज करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे चलता है वैसे ही चलता है, लेकिन इसको इसके लीव्स का थीक होने के वजह से ये सालोक संश्लेष क्रिया को कम कर देता है। ठीक, अब आ जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, जान लेते हैं। इन माउंटेन एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। ओके, एज सच देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल तुंद्रा रीजन। ओके, द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 to 2000 meters, 1000 to 2000 meters बीच में आता है। अब देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है। जैसे हाइट बढ़ता है उतना टेम्परेचर गिरता रहता है। ओके, टेम्परेचर गिरता रहता है। अब क्या होता है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स, चेस्टनट प्रीडोमिनेट। नेक्स्ट क्या होता है, बिटवीन 100 to 500 to 3000 meters टेम्परेचर फॉरेस्ट कॉन्टेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रस, सीडर आर फाउंड। ये ट्रीज प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दे कवर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड फीस हैविंग हाई ऑल्टीट्यूड साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है,
ये क्या होता है कि ये जो हमारा हिमालय का जो रीजन होता है, ये जो रीजन है और ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है इसको कवर करता है, ये आसाम हो गए वगैरह वगैरह, ये जो एरिया है इसको कवर करता है, ठीक। साउथर्न इंडिया का भी कुछ एरिया ये कवर करता है। एट हाई एवोल्यूशन टेम्परेचर ग्रासलैंड्स आर कॉमन एट हाई ऑल्टीट्यूड जनरली मोर देन 360 मीटर्स अबव सी लेवल से 360 मीटर्स ऊपर होते हैं। टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स कीप द एल्पाइन वेजिटेशन। टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स इसको क्या देते हैं, एल्पाइन वेजिटेशन देते हैं। एल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पर देखा जाता है दोस्तों, सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बिर्चेस आर कॉमन ट्रीज, ये कॉमन प्लांट्स हैं यहाँ के। दे गेट प्रोग्रेसिव स्टन एज दे अप्रोच द स्नो लाइन एंड यूज एक्सट्रीमली गेजिंग बाई नोमेडिक ट्राइब लाइक गुज्जर्स एंड बैकवर्ड्स। एट हायर ऑल्टीट्यूड मॉसेज एंड लिंचेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। कॉमन एनिमल्स आर फाउंड देयर, द कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी हिरन देखा जाता है, स्पॉटेड डियर देखा जाता है, भालू जो होता है, वाइल्ड शीप देखा जाता है, जैक रैबिट्स देखे जाते हैं, तिब्बतियन एंटीलोप देखा जाता है, यक देखे जाते हैं, स्नो लियोपर्ड देखे जाते हैं, स्क्विरल्स देखे जाते हैं, सैगी देखे जाते हैं, डियर देखे जाते हैं, रेयर रेड पैंडा भी देखे जाते हैं जो कि हमारे अभी यूनेस्को के रेड लिस्ट में जो होते हैं, ठीक है, रेड लिस्ट में आते हैं, जो लुप्त प्राय स्पीसीज हैं वो उसमें आते हैं। अब आते हैं शीप्स, आते हैं गोट्स, आते हैं विथ थिक हेयर्स, उनके जो बाल होते हैं वो बहुत घने होते हैं। अब आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ आते हैं, फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, जहाँ पर टाइड्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर आते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए बे ऑफ बंगाल का ये वाला एरिया हो गया, सुंदरबन का एरिया, ये क्या है, सुंदरबन का एरिया है, ये सुंदरबंस। यहाँ पर तो हमारे टाइगर रिजर्व्स भी हैं, यहाँ पर एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मड एंड स्लीट्स गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, डेंस मैनग्रोव आर कॉमन वेरिएंट्स विथ रूट्स एंड प्लांट्स सबमर्ज अंडर वाटर, ठीक। ये जो ट्रीज होते हैं, ये मान लीजिए इसका कांड हो गया और ये इसके पत्ते हो गए, इसके जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, ऐसे बाहर निकल के रहते हैं, ओके, ऐसे बाहर निकल के रहते हैं, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, डेल्टास ऑफ गंगा, मैंने जैसे आपको बताया वो सुंदरबन का एरिया, द महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब एरिया ऐसा वेजिटेशन कवर करते हैं। इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज सुंदरबंस, ओके, सुंदरबंस जो कि सुंदरी ट्रीज के लिए बहुत फेमस है, ओके, इसको याद रख लीजिएगा। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर ऑल्सो ग्रो इन द सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा, कुछ पार्ट्स में ये सब ग्रो होते हैं। द मोस्ट फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके लिए सुंदरबन को टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, हालांकि ये बहुत पहले की बात है जब ये टाइगर रिजर्व बना था, ओके, टाइगर रिजर्व बना था,
सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी रिलेटेड आ जाते हैं कभी कभी। द मोस्ट फेमस एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, हालांकि अभी वो इतने दिखते नहीं हैं, वो भी यूनेस्को के एंडेंजर स्पीसीज में आ गए हैं, बेटर सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, जो घड़ियाल्स होते हैं, घड़ियाल्स वन टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स होते हैं, उसको भी देखा जा सकता है। स्नेक्स भी देखे जाते हैं इस फॉरेस्ट में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देख लीजिए ये जो एरिया है, इस एरिया को आपको ठीक से जानना पड़ेगा। ये जो एरिया है ग्रीन कलर का, ये क्या है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट है। ये जो डीप एरिया है इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ये जो लाइट ग्रीन का जो है, ये क्या है? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस, ये जो एरिया है इसको ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस हो गया। ओके, सुंदरबंस का जो एरिया है वो मैनग्रोव में आता है। ठीक, एल्पाइन, सब एल्पाइन, जो मैंने बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड में ये सब होता है। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन यहाँ पर रहा, ये रहा हमारा हिमालयन रीजन, यहाँ पर होता है। हिमालयन ड्राई टेम्परेचर यहाँ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हिमालयन मोइस्ट टेम्परेचर, ये जो एरिया है, ये एरिया में मॉइस्ट टेम्परेचर देखा जाता है। एंड सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस, ये जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस है। ओके, सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस है। जो ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन जो गर्म एरिया में देखे जाते हैं, वो ये एरिया है, यहाँ पर ये सब देखे जाते हैं। ऑल्सो हॉट डेजर्ट में भी देखे जाते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है राजस्थान और गुजरात का, कच्छ का, ये यहाँ पर देखे जाते हैं, ऑल्सो इधर भी देखे जाते हैं। ठीक है, इस एरिया में भी देखे जाते हैं, महाराष्ट्र के बाद जो इधर का एरिया है यहाँ भी देखे जाते हैं। साउथ के भी कुछ एरियाज में ये दिखाई मिलते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भैया? अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना भी ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर नेसेसरी बिकॉज फॉरेस्ट क्लीन द एयर, प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। अरे भैया, जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम लोग बचेंगे कैसे? हम लोग ट्रीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और उसके बदले ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देंगे। ये ऐसे ही तो हम ले दे के, आदान प्रदान करके हम लोग बचे हैं अभी तक। ठीक है, और इसको हम लोग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड लाइवलीहुड ऑफ ह्यूमंस। ओके, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोशन, इट्स प्रोवाइड अस रिसोर्सेज लाइक वुड, ऑयल, रबर इटीसी। ओके, ऑयल देते हैं, वुड देते हैं, रबर भी देते हैं, ये सब देते हैं। ये क्या होता है कि सॉयल इरोशन मतलब क्या होता है कि जो धस बोलते हैं जिसको, अब समझ लीजिए ये एरिया है, क्या हुआ कि इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक, ये क्या हुआ, नीचे आ गया। ये जो पूरा जो पार्ट है ये क्या हुआ, नीचे आ गया। इसको हम लोग धस कहते हैं, इसके वजह से बहुत डिजास्टर्स होते हैं, बहुत डेंजरस सीन है भैया। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ। देखिए ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हेरिटेज है भैया, वो बहुत शानदार हेरिटेज है। थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ईटीसी लाइव इन द फॉरेस्ट, ये सब मिलता है। द टाइगर्स इज आवर नेशनल एनिमल, इट इज फाउंड इन वेरिएशन ऑफ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। गिर फॉरेस्ट इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, इसको एशियाटिक लायन का होम्स भी कहा जाता है। ठीक है, वेयर द ग्रासलैंड फॉरेस्ट ऑफ आसाम, होम ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस, ये भी आपको याद रखना है। आसाम
वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। एशियाटिक एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, ये जो केरला का रीजन है, यहाँ पर केरला एंड कर्नाटका, यहाँ पर एशियाटिक एलिफेंट्स बहुत फेमस हैं। कैमल्स एंड एसेज आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, यहाँ जो कैमल्स होते हैं, मतलब जो ऊँट होते हैं भैया, और जो गधे होते हैं, वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं। उसके अलावा भी कच्छ के रन ऑफ कच्छ वहाँ पर भी मिलते हैं रेस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोस्ट, स्नो लियोपर्ड, बियर्स आर ऑल्सो फाउंड इन हिमालयाज, वाइल द एनिमल फाउंड इन द कंट्रीज आर मंकी, वॉल्व्स, जैकल्स। ओके, नीगल्स एंड चीतल्स, ईटीसी। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक, ऐसे तो ये सब जानते ही हैं। एंड अदर कॉमन बर्ड्स आर माइनास, पीजियंस, पैरट्स, गिज, बुलबुल्स एंड डक्स। ओके, सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन आर कंट्री, अरे नाग नागिन दोनों मिलते हैं यहाँ हमारे इंडिया पे, ठीक है। तो नाग नागिन तो आप लोग सुने ही होंगे, नाग नागिन की कहानी। अभी पास से कोई गुजरता है तो नागिन ही लगता है, लेकिन वो लोग तो कभी नाग नहीं समझते, लेकिन हम लोगों को नागिन लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन आर कोबराज एंड क्रेट्स। ओके, कोबराज एंड क्रेट्स यहाँ पर बहुत कॉमन स्नेक्स हैं। ड्यू टू रैपिड कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, नंबर ऑफ स्पीसीज वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन रैपिडली एंड आर मेनी ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। जैसे हम लोग गाछ जो है उसको काट देते हैं, ट्रीज़ को काट देते हैं, प्लांट्स को काट देते हैं, क्या होता है, इनका जो रहने का घर है, इनका घर को हम नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और वन मोर रीज़न क्या है जिसके चलते ये लोग मर जाते हैं, और वन मोर रीज़न है इल्लीगल हंटिंग। ओके, इल्लीगल हंटिंग भी वन ऑफ द रीज़न है। इसमें भारत सरकार इसको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें जुटे हुए हैं। अब जो ये स्पीसीज़ हैं जो हमारे एंडेंजर स्पीसीज़ में आ जाते हैं, ओके, इन स्पीसीज़ को कहाँ रखा जाता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इनको रखा जाता है यूनेस्को लिस्ट में। ओके, यूनेस्को का जो लिस्ट होते हैं एंडेंजर स्पीसीज़ का, उस लिस्ट में रखे जाते हैं जो अभी तो एंडेंजर्ड नहीं है, अभी तो डेंजर में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक। और एक होता है जो हमारा एनिमल्स अभी दिखाई नहीं पड़ते, जिनको हम देख नहीं पाते, उनको कहाँ देख सकते हैं हम लोग, यूनेस्को को जो रेड डाटा बुक में हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव यूपीएससी रिलेटेड से। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं माइग्रेटरी बर्ड, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा भैया। चलिए देख लेते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स के देख लेते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स किनको कहते हैं, जो बर्ड एक अलग देश में आते हैं। ओके, ये मान लीजिए यहाँ पर है हमारा अफ़गानिस्तान, यहाँ से अगर कोई बर्ड आया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइग्रेटरी बर्ड कहेंगे। तो यूएसए और अदर कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बहुत सारे पक्षियाँ यहाँ पर आते हैं,
सीजन के दौरान। साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, पिन टेल डक एंड कर्ल्यू, ये सब पक्षी यहाँ देखे जाते हैं दोस्तों। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको इनको याद कर लीजिएगा। ये एक टाइम तक आते हैं फिर रिटर्न चले जाते हैं, ठीक है। तो इन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। चलिए, हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो। अभी लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई लाइक नहीं कर रहा है, देख रहे सब है लेकिन लाइक नहीं कर रहा है, लाइक आ रहे नहीं है। प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका और हमारा जॉइंट एफर्ट्स ही हमको एक दिन सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट कीजिए हमको। अगर कोई इशू होता है आपको समझने में, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं, मैं सब कमेंट्स की रिप्लाई करूँगा, हर कमेंट्स की भी रिप्लाई मैं करूँगा। एक डाउट क्लियरिंग सेशन में उन कमेंट्स को लेके मैं आप सभी का डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट बुक की तरफ चले जाएंगे, ठीक। अब अंतिम में एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आपका इसका PDF चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव ए गुड नाइट।